बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। फेक न्यूज़ का कारोबार पिछले 5-6 साल से पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मतलब के सरगर्म हो चुका है। हर तरफ झूठी खबरें फैलाई जाती है। इसमें टॉप पर इस वक्त 3 ममालिक आते हैं, इसमें अमरीका, इंडिया और पाकिस्तान है, और इन तीनों में से टॉप पर इंडिया और इंडिया का मीडिया है। खैर, इंडिया का मीडिया अगर अपने आवाम को फंसाने के लिए कोई झूठ बोलता है, अपनी हुकूमत की नाअहलियों को छुपाने के लिए और हिंदुस्तान के अंदर होने वाले मजालिम को छुपाने के लिए अगर कोई झूठ बोलता है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंडिया का मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस किस्म का जहर उगलता है, ये तो पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर आवाज़ उठाता रहा। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बहुत ही सनसनीखेज़, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट पाकिस्तान ने नहीं बल्कि यूरोप ने जारी की है। यूरोप का एक इदारा है, यूरोपीय यूनियन डिस इन्फो लैब, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट बताने से पहले मैं आप लोगों को एक मरतबा आगाह कर दूं कि रिपोर्ट की कापी मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। एक एक सबूत वहाँ पर मौजूद है। दूसरी अहम बात मैं आपको बता दूं कि यह रिपोर्ट बहुत लंबी छोड़ी रिपोर्ट है। अगर इस पर मैं बात करना शुरू कर दूं तो अकेले तो खैर मैं इस पर बात कर ही नहीं सकता, मुझे 2-3 एक्सपर्ट्स चाहिए इसके ऊपर बात करने के लिए, और इस पर बात करते करते शायद 2 घंटे भी लग जाए। अगर आपको रिपोर्ट के बारे में मज़ीद पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये यूरोपीय यूनियन डिस इन्फो लैब ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान ने 500 से ज़ायद जाली वेबसाइट्स बनाई है जो कि 65 से 70 ममालिक के अंदर काम कर रही है, और इन वेबसाइट पर फेक जाली खबरें चलाई जाती है। और ये फेक जाली खबरें किस से मुतल्लिक है, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और इस रिपोर्ट के अंदर एक और बहुत बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि इन जो जाली वेबसाइट को जो बनाया गया है मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर फैलाया गया, 500 से 600 वेबसाइट, इन वेबसाइट्स में पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ लोग और वो लोग जो पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, भगोड़े बन चुके हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते और अपने आप को लिबरल कहते हैं, उन वो लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर अपने आर्टिकल्स और अपनी खबरें देते हैं जो कि झूठी और फेक खबरें होती है। ये लोग पकड़े कैसे गए हैं, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ और बहुत बड़ा सवाल है। हुआ ऐसे कि इन्होंने एक मैगज़ीन बनाया था जो कि इंटरनेट पर चल रहा था और ऑनलाइन मैगज़ीन था, जिसका नाम था यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट मैगज़ीन। इस मैगज़ीन को जब चेक किया गया इस एजेंसी ने जब इस मैगज़ीन को चेक किया तो पता चला इसके ऊपर जो मवाद अपलोड हुआ है ये तो बिल्कुल भी यूरोपीय यूनियन या यूरोप से मुतल्लिक या पार्लियामेंट या यूरोप की पार्लियामेंट से मुतल्लिक था ही नहीं। इस पर जितना भी मवाद अपलोड किया गया था ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसमें जहर उगला जा रहा था, और ये सब का सब बाद में पता चला कि भारत से कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल करने वाले का नाम सामने आया कि श्रीवास्तव नेटवर्क, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक शख्स है जो कि ये तमाम तर वेबसाइट्स चलाता है जिसमें इंडियन हकूमत, इंडियन एजेंसियां, इंडियन मीडिया, इंडिया के एंकर्स इसमें उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। और तो और इसको सपोर्ट करने वाली इंडिया की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है जिसको ANI कहा जाता है, वो एजेंसी भी इन जो जाली और झूठी खबरें हैं इन वेबसाइट्स को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती रही। इसके अलावा इंडिया के तमाम जितने जहर उगलने वाले एंकर्स हैं, जो ड्रामेबाज, जो शोर मचाते हैं, वो भी सपोर्ट करते रहे। मतलब कि इसमें, अच्छा मज़े की बात इसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि ये जो नेटवर्क बेनकाब हुआ है ये PTM, बलोच लिबरल फ्रंट और बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बलोच मिसिंग पर्संस के हवाले से जितनी आवाज़ें उठाई जाती है जिसमें पाकिस्तान आर्मी पर, पाकिस्तान की एजेंसियों पर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनको भी बेनकाब किया गया कि इनकी खबरें ज़्यादातर इन वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। PTM कोई और PTM नहीं बल्कि यही जो मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावट और अली वज़ीर वाली जो PTM है जिसको पाकिस्तान का तमाम मीडिया, तमाम एंकर जो है लिबरल जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं। अब मज़े की बात इसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया ने बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाई। दूसरी एक अहम बात इसमें यह है कि एक हमारे DGISPR होते थे मेजर जनरल आसिफ गफूर, जो कि अब तरक्की उनकी हो चुकी और वो लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं, वो अक्सर इस हवाले से बात करते थे लेकिन सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि 5th जनरेशन वॉर होती क्या है, कैसी होती है, ये सिर्फ़ एक थ्योरी है, एक झूठ है।
लेकिन इसके बरक्स सारा हुआ और आज साबित हुआ कि मेजर जनरल आसिफ गफूर जो डीजीआई एसपीआर थे उस वक्त वो बिल्कुल दुरुस्त थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अब जंगें लड़ी जा रही है वो जो है मतलब अब वॉर नहीं है कोई, इसके अंदर आपको असला नहीं दिया जा रहा, आप पर हमला नहीं किया जा रहा, अब आपको मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपको टारगेट किया जा रहा है, जो कि वक्त ने अब सही साबित कर दिया है। दूसरा, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिशें 2014 से इसका आगाज़ हुआ, लेकिन जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इकतदार में आए तब से, यानी कि सन 2018 से 2020 तक, इन वेबसाइट्स के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जो है काम तेज़ होता गया, जिससे ये साफ पता लगता है कि हिंदुस्तान को इमरान खान जो है वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ ज़रूर पहुंचा रहा है। और ये सब करने का मकसद क्या था कि यूरोपीय यूनियन में और अक्वामे मुत्तहिदा में इन दोनों के सामने पाकिस्तान का जो चेहरा है वो एक नेगेटिव चेहरा पाकिस्तान का सामने आए, ना कि पॉजिटिव चेहरा पाकिस्तान का सामने आ सके, और इससे पाकिस्तान की बदनामी हो, पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, पाकिस्तान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाए, पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो, पाकिस्तान का टूरिज़्म इससे बदनाम होगा, पाकिस्तान की फ़ौज बदनाम होगी, पाकिस्तान की सियासत और असम्बलियाँ इससे बदनाम होगी, तो इससे इंडिया को फ़ायदा होगा। और इसका अगला प्लस पॉइंट क्या होगा कि इंडियन कहेंगे कि जनाब आप कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाद से जिसके ऊपर हिंदुस्तान का कब्ज़ा है, तो आप अपने मुल्क के हालात देख लें। और इन आर्टिकल्स में जो ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लिया गया, जहां पर मज़लूमियत दिखाई गई, मासूमियत दिखाई गई, वो बलूचिस्तान के एरियाज़ को टारगेट किया गया मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। वो मिसिंग पर्सन्स जो आपको पता ही होगा, आज से पहले कुछ अरसा पहले ही कराची जो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान का, वहाँ पर जो मिसिंग पर्सन वहाँ पर कुछ करने आए थे, फिर उनके साथ सिंध पुलिस ने क्या किया वो भी आप लोगों ने देख लिया, और कुछ मिसिंग पर्सन ने अफवाज पाकिस्तान को किस तरह से बलूचिस्तान में अभी कुछ अरसा पहले ही नुकसान पहुँचाया, बहुत बुरी तरह के उनको एक तो मारा, गाड़ी को रोका, फिर उनके लाशों के साथ जो जिस तरह से वो पेश आए, जिस तरह से आग लगाई गई, जिस तरह से घसीटा गया, ये वो मिसिंग पर्सन है जिनकी बात इन वेबसाइट्स में की जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े नाम, तमाम बड़े एंकर्स, तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स, तमाम बड़ी वेबसाइट्स इस रिपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर खामोश है, जबकि BBC ने इसके ऊपर आर्टिकल दे दिया है। उस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, खोलकर उन्होंने एक एक सबूत दिया हुआ है। अब मज़े की बात, ये जो रिपोर्ट्स इंडिया शाया कर रहा था इस हवाले से, हकीकत टीवी तो फलाना टीवी तो वो वाला टीवी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स बनाई और आप लोगों से बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए। देखें, जाली खबर, इंडिया का मीडिया सच्ची खबर दे ही नहीं सकता, बिलखसूस वो पाकिस्तान से मुतल्लिक हो। आपको पता ही होगा कुछ अरसा पहले हिंदुस्तान ने कराची के अंदर सिविल वार कर दी थी, जब वो IG सिंध वाला मामला हुआ, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला हुआ, और कराची में उस वक्त क्या सूरत हाल थी कि उनका मजाक बनाया गया, पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, इंटरनेशनल मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया। तो पाकिस्तान का मीडिया, मैं दोबारा से कहता हूँ कि इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके फ़ायदे अभी शायद ना हो, लेकिन कुछ अरसे तक पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर बहुत फ़ायदे होंगे और इंडिया की बहुत ज़्यादा बदनामी होने वाली है। मज़ीद अगर आपने इस रिपोर्ट को पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर खोलें, और उर्दू में ये रिपोर्ट है, आप आराम से तसल्ली के साथ, सबूतों के साथ पढ़ सकते कि ये नेटवर्क 15 साल से किस तरह से काम करते हुए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, कैसे लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा था, कैसे अक्वामे मुत्तहिदा यूरोपीय यूनियंस को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा था, एक एक सबूत और मुकम्मल तफसील के साथ वहाँ पर मौजूद है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान पाइंदाबाद।